चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। जबरदस्त गर्मा गर्म खबरें लेके आया हूँ आपके लिए। और पहली चार पांच खबरें तो दोस्तों सिर्फ सुनते जाइए आप, वैसे पूरी टेक न्यूज देखिए, ध्यान से देखिए। पहले बता दूं आपको कि अब ये जो चाइनीज कंपनीज है इनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट और भी थोड़े बैन लेके आ रहा है। जी हाँ, अब उन्होंने कहा है कि जो टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं हुआवी नहीं तो ZTE, ये जो कंपनीज है हमारे इधर 4G 3G नेटवर्क के लिए उन्हीं का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब ऐसे लग रहा है, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन उन्होंने हिंट दे दी है इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई हम कुछ कुछ कंपनीज को इधर अलाउ नहीं करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी की वजह से। यस, और जब ये है तो क्लियरली ये चाइनीज कंपनी जो है ZTE, हुआवी, ये सब लोगों को बैन होने वाला है इंडिया में। वैसे बात कर रहे हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट की, तो स्पेक्ट्रम अलोकेशन या फिर स्पेक्ट्रम ऑक्शन, अलोकेशन नहीं ऑक्शन, मार्च 2021 में होने वाला है। लेकिन आपको पता है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, 4G ऑक्शंस होने वाले हैं। जी हाँ, दीज आर 4G एंड नॉट 5G। मुझे लगा था कि मार्च 2021 में ऑक्शन स्पेक्ट्रम के 5G ही होंगे, नहीं अभी तक डेट वगैरह कुछ पता नहीं है। ये जो है बेसिकली और जो 4G के एयरवेव्स वगैरह हैं उनके लिए है। माई गुडनेस, अगर अभी तक हम ऑक्शन नहीं कर रहे हैं एयरवेव्स का, कब ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं लेके आएंगे हमारे तक 5G, आई डोंट नो। वैसे जियो ने ऑलरेडी बता दिया है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में 5G आने वाला है। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। वैसे दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों गूगल की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है। गूगल और क्वालकॉम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की दोनों ने मिलकर। उन्होंने कहा कि अब जो एंड्रॉइड डिवाइसेज आने वाले हैं इसके आगे उनको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे। जी हाँ, अभी तक जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के आपको एंड्रॉइड अपडेट्स देते थे, लेकिन ये जो गूगल ने आज अनाउंसमेंट की है उसकी वजह से आगे के एंड्रॉइड डिवाइसेस को 4 साल के अपडेट्स। वाओ, मतलब एंड्रॉइड 10 से लेके एंड्रॉइड 14 तक एक फोन लेने के बाद तीनों 3 या 4 अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। दैट इज क्रेजी एंड दैट इज रियली गुड, मच रिक्वायर्ड। और दोस्तों गूगल की बात कर रहा हूं तो बता दूं कि लोकली बहुत फैल रहा है गूगल। जी हाँ, कैसे, अब गूगल सर्च लोकल लैंग्वेजेस में आप सर्च कर पाओगे और जो भी रिजल्ट वगैरह वो लोकल लैंग्वेजेस आपको मिलने वाले हैं। कुछ 4-5 लैंग्वेजेस, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, बांग्ला, ये सब जो लैंग्वेज है उसमें आप सर्च कर पाओगे गूगल सर्च में। एंड सिर्फ गूगल सर्च नहीं दोस्तों, गूगल मैप्स में भी, मतलब आपको डायरेक्शंस वगैरह चाहिए, नेविगेशन वगैरह चाहिए, लोकल लैंग्वेजेस में आपको मिलने वाला है। इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि देखिए इंग्लिश सबकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सबको नहीं आती है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी वजह से लोकल लैंग्वेजेस। यस, वेरी गुड, दैट्स अ गुड मूव बाय गूगल, और बहुत सारे लोग गूगल इस्तेमाल करना चालू करेंगे। दोस्तों PlayStation 5 ने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ PlayStation के ही नहीं, दूसरे भी Xbox के और किसी भी दूसरे कंसोल गेम के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए सेल्स के मामले में। एक ही महीना लॉन्च हुआ है और जितना एक महीने में PlayStation 5 कंसोल बेचे गए हैं हिस्ट्री में कभी भी कोई कंसोल बेचा नहीं गया है। इनफैक्ट इतना मुश्किल हो रहा है PS5 लेने के लिए कि वो दुकान में आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, सेकेंड्स में बिक जा रहे हैं, सेकेंड्स में दोस्तों। एंड PS5 इज नॉट चीप, सस्ता नहीं है दोस्तों, फिर भी इट्स जस्ट फ्लाइंग ऑफ। व्हाट्सएप में एक नया फीचर आने वाला है जो इंटरेस्टिंग है, आई एम नॉट श्योर इंडिया में इतने सारे लोग इस्तेमाल करेंगे या नहीं। व्हाट्सएप वेब, मतलब डेस्कटॉप पे आप जब व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो उसमें आप ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट आ रहा है। यस, ऑलरेडी मोबाइल पे तो था ही, बट ऑडियो एंड वीडियो कॉल आप डेस्कटॉप से कर पाओगे थ्रू व्हाट्सएप पे। वैसे दोस्तों क्विक रिमाइंडर, टेक न्यूज अच्छी तो लगती है ना, अगर अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छी नहीं लगती है नीचे कमेंट्स में जाइए, 1 घंटे में बताइए क्यों नहीं अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तो भी बताइए, और कुछ लोगों को मेरी तरफ से हार्ट्स, लाइक्स, रिप्लाई जरूर मिलेंगे 1 घंटे के अंदर, रिमेंबर दैट। और दोस्तों आज ASUS, यस ASUS ने लॉन्च कर दिए हैं, नहीं स्मार्टफोन नहीं दोस्तों, उनके लैपटॉप्स। जी हाँ, वीवो बुक और ZenBook विच आर बेस्ड ऑन इंटेल 11th जनरेशन टाइगर लेक प्रोसेसर। जी हाँ, जबरदस्त है ये प्रोसेसर। इनफैक्ट ASUS का जो ZenBook है 435 विच इज बेस्ड ऑन i7 11th जनरेशन, उसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन कर दिया है, जरूर जाके देखिएगा, कॉम्पैक्ट है दोस्तों और जबरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये लैपटॉप, गो एंड वॉच वाई। दोस्तों ये जो गैलेक्सी सीरीज है सैमसंग की, एस सीरीज, जो S21 सीरीज, अलग अलग खबरें आ रही है। आज ऐसी खबर आ गई कि जो गैलेक्सी S21 प्लस है विच इज बेस्ड ऑन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888, वो iPhone 12 Pro Max के स्कोर्स को बीट करता है अंतुदु के ऊपर।
वाओ, कुछ दिनों पहले ऐसे बताया जा रहा था कि नहीं इट इज वेरी वेरी लो, लेकिन वो शायद एक्सिनॉस 2100 पे था, लेकिन ये जो है ये 888 पे है। अब आने दीजिए, उसी के बाद सब कुछ बताएंगे। बट जब हम देखते हैं कुछ ऐसी खबर आती है, मेरा काम है आपको बताना, बट एक्चुअल जब हम टेस्ट करेंगे खुद तब आपको स्कोर्स बताएंगे, उस पे जरूर विश्वास रखना। दोस्तों Redmi 9 Power आज हो गया है लॉन्च इंडिया में। ये जो है बेसिकली Redmi Note 9 4G, जी हाँ, जो चाइना में लॉन्च हुआ था पिछले महीने वही है। थोड़े चेंजेस हैं उसके अंदर, थोड़े वेरिएंट में चेंजेस हैं एंड एक एक्स्ट्रा कैमरा वगैरह हमारे इधर। और इसकी प्राइस आ गई है 10999 आई हुई है 4GB 64GB वेरिएंट के लिए, और 11999 है जो 4GB 128GB वेरिएंट के लिए। इसका वैसे चाइनीज वेरिएंट का अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस कर दिया, आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। और पोल में हमने पूछा था ये लॉन्च होने के बाद कि भाई आपको इसकी प्राइसिंग कैसी लगी, 80% लोगों ने कहा बैड, थम्स डाउन दिया दोस्तों, सिर्फ 20% लोगों ने थम्स अप दिया। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछते हो, इट इज अ डिसेंट प्राइस फॉर Redmi 9 Power। और दोस्तों एक ही फोन किस किस नाम से लॉन्च हो जाएगा कहां नहीं जा सकता। आज पोको M3 का इंडियन वेरिएंट दोस्तों हो गए TUV वेबसाइट के ऊपर लिस्ट। और आपको पता है पोको M3 जो होगा वो भी सेम Redmi Note 9 4G जो पिछले महीने चाइना में लॉन्च हुआ था, जो अभी Redmi 9 Power के नाम से लॉन्च हुआ है कुछ चेंजेस के बाद, वही पोको M3 के नाम से भी आने वाला है। वाओ, एक ही चीज डिफरेंट होगा क्योंकि वो पोको है, उसमें एड्स नहीं होंगे, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। और दोस्तों Realme RMX 3061, इसके बारे में कुछ दिनों पहले सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आया था, कहा जा रहा था ये Realme 8 सीरीज होने वाला है और कुछ होने वाला है। आज थाईलैंड में NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे ये लिस्ट हो गया है और उसका नाम आ गया है, इट इज गोइंग टू बी Realme C20 या सी सीरीज का फोन होने वाला है ये। एंड वैसे भी 3063 भी है, 3060 भी है, ऐसे बहुत सारे कोड नेम्स आए हुए हैं, बट इधर आने दीजिए, अभी थाईलैंड में हुआ है इसका मतलब इधर किस नाम से आएगा ये भी पता नहीं है। जी हाँ, रियलमी Xiaomi सभी लोग एक ही हैं, सब अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज में लॉन्च करते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। और दोस्तों आज रियलमी के इंडियन फोरम्स में रियलमी रियल म्याओ, जी हाँ, उनका जो मैस्कॉट है वो रियल म्याओ सुपर हीरो जो है, उसने कुछ बॉक्सेस के साथ फोटो डाल दिए। एक तो दिख रहा है स्मार्ट वॉच, उनका वॉचेस रियलमी वॉचेस, उसके बाद में दिख रहा है X7 के दो अलग अलग बॉक्सेस है, एक के ऊपर X7 लिखा हुआ है, एक के ऊपर बड़े में X7 लिखा हुआ है। अब ये अलग अलग बॉक्सेस क्यों है पता नहीं है, शायद X7 एंड X7 Pro हो सकता है। साथ में पीछे की तरफ बॉटल भी दिख रही है, स्मार्ट बॉटल है वो। तो ये सब चीजें दोस्तों जैन में लॉन्च होने वाली है इंडिया में, और इसीलिए इट इज अ स्मॉल टीजर फ्रॉम रियल म्याओ। चलिए दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स डील्स वगैरह चल रहे हैं क्योंकि Flipkart का सेल चल रहा है, उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। अब वक्त होता है ऐप ऑफ द डे का, बैंड लैब। आज का जो ऐप का नाम है वो है बैंड लैब। इफ यू आर अ म्यूजिशियन, अगर आप म्यूजिक क्रिएट करते हो, गाने वगैरह गाते हो, दिस इज अ ब्यूटिफुल ऐप, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बहुत सारे सॉन्ग्स क्रिएट कर पाओगे, मिक्स कर पाओगे, इंपोर्ट कर पाओगे, अगर आपको सॉन्ग्स को मिक्स वगैरह करना है तो दूसरे जो म्यूजिक क्रिएटर्स है उनके साथ कोलैबोरेट वगैरह कर पाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, म्यूजिक में अगर आपको इंटरेस्ट है जरूर देखिएगा बैंड लैब, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब वक्त होता है दोस्तों ट्रैक एंड टेक टाइम का, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में इधर उधर आज बाजू आगे पीछे, अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में #TDDHDLTimesMDailySpecialNewsमें आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है योगेश चौहान, कांग्रेचुलेशंस योगेश जी, भेजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। नाउ टाइम फॉर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, यू नो इट, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे तीन सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं अनुराग तजाने, संदेश गोकर्णकर, ब्रीजा किशोर सिंघा। कांग्रेचुलेशंस, लवली 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 कमेंट्स दोस्तों, बस ऐसे ही रोज कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा, ऐसे ही कुछ लोगों को हार्ट्स लाइक्स रिप्लाइज देता रहूंगा। चलिए दोस्तों आज के हमारे ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 911 वेरी कुख्यात, मतलब जिसका नाम बराबर है 9/11 आपको पता है, जी हाँ, खत्म होती है इधर ही। इफ यू हैव लाइक्ड इट, भूल गए होंगे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं वो कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।